और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? भारतीय मौसम विभाग ने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मौसम की जानकारी साझा की है। यह पहली बार है जब भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल किया है। भारतीय मौसम विभाग के निदेशक बर्तुजमा उपात्रा ने कहा है कि ये भी भारत के हिस्से हैं, इसलिए हमने इन्हें मौसम बुलेटिन में शामिल किया है। भारत द्वारा उठाई गई इस कदम से पाकिस्तान तिलमिला गया है। उसकी तिलमिलाट की एक वजह यह भी है कि वह मौसम के पूर्वानुमान के लिए अधिकतर चीन पर निर्भर रहा है। उसे लगता है कि भारत ऐसा करके पीओके के नागरिकों तक सीधी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। बड़ी बात यह है कि यहां के स्थानीय नागरिकों को मौसम की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे इलाके में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा की गई इस पहल से उन्हें ऑनलाइन मौसम की जानकारी मिलती रहेगी। यह हिस्सा अब भारत के मौसम विभाग के मैप पर दिखाया जाएगा। मोहपात्रा ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग ने पिछले दो दिनों से अपने क्षेत्र बुलेटिन में इस जानकारी का उल्लेख करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र को अब भारतीय इलाके के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूरे डिवीजन के मौसम का पूर्वानुमान विभाग अपनी वेबसाइट पर उत्तर पश्चिम भारत के फोरकास्ट में देता है। इसने बदलाव के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाया जा रहा है। भारत की तरफ से यह कदम तब उठाया गया है जब इसी हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव की अनुमति दी है। भारत सरकार इस पर पहले ही प्रतिक्रिया दे चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बात पर भी ध्यान दिया गया था कि मौसम विभाग द्वारा पीओके के शहरों को राष्ट्रीय और स्थानीय बुलेटिन में शामिल करने के अलावा इन्हें भारतीय मौसम विभाग फोरकास्ट में भी जगह दी जानी चाहिए। भारत द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। भारत पहले ही पीओके को भारत के मानचित्र में शामिल कर चुका है। अब मौसम विभाग के बुलेटिन में शामिल करके भारत ने अपनी घेराबंदी बढ़ा दी है। ऐसी भी चर्चा है कि भारत पीओके के छात्रों हेतु कुछ छात्रवृत्तियों का ऐलान भी कर सकता है। भारत ऐसा करके स्थानीय लोगों तक अपनी सीधी पहुंच बनाना चाहता है। पीओके में भारत का समर्थन करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या मौजूद है, मगर भारत की सीधी पहुंच नहीं होने के चलते अब तकनीक के सारे उन तक पहुंचा जा रहा है। यानी पाकिस्तान को पीओके से अलग थलग करने के लिए भारत हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भारत सरकार पीओके को हासिल करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुकी है। सरकार उन सभी फैसलों को ले रही है जिससे पीओके पर उसका दावा मजबूत होता है। इसका मतलब यह है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने से पहले पीओके पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास हासिल कर लेना चाहता है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत द्वारा मौसम विभाग के बुलेटिन में पीओके को भारत का हिस्सा दर्शाने पर पाकिस्तान ने ज्यादा चूचपड़ नहीं की है। दरअसल वह खुद भी जानता है कि उसके ज्यादा कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। पीओके को उसने आजाद कश्मीर मूल घोषित किया हुआ है, जबकि भारत कहता रहा है कि यह उसका हिस्सा है जिस पर 1948 में कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। भारत में मोदी सरकार के आने के बाद देश में पीओके की वापसी की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। मोदी सरकार ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया और उसके दो टुकड़े करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, उससे जनता को पीओके के भारत का हिस्सा बनने की पूरी आशाएं हैं। भारत द्वारा तेजी से लिए जा रहे फैसले और पाकिस्तान की घेराबंदी ऐसी संभावनाओं को और ज्यादा मजबूत कर रही है।